वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीबीसी रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 1B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, ट्रैवर्स द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, राइट। और ये आपका देखिए 10 मार्क्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको। आपको केवल इस ट्री को प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो जैसा कि नाम है प्री, यानी कि आप पेरेंट नोड को सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। अच्छा, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट हो जाएगा, देन आपका पेरेंट नोड प्रोसेस होगा। तो चलिए इसको आपको दिए गए बाइनरी ट्री की हेल्प से समझाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर अभी यूज करने वाले हैं प्री ऑर्डर का। तो प्री ऑर्डर में हमें क्या करना है, हम यहाँ से ये हमारा रूट नोड है, इससे हम प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम इधर प्री ऑर्डर करेंगे और इधर पोस्ट ऑर्डर करेंगे। तो देखिए, प्री ऑर्डर में हमें क्या करना होगा, पहला हमारा नोड मिला ए, हमने उसको प्रोसेस कर लिया, राइट। फिर हम लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट में हमें मिला बी, हमने इसको प्रोसेस कर लिया, राइट। ये प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा डी, तो हमने इसको प्रोसेस कर लिया, राइट। अब हमारा डी भी प्रोसेस हो चुका है। देखिए, जब हम वापस लौटेंगे तो बी तो हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर रखा है, अब हम जाएंगे इसके राइट पे, यानी कि ई पे, अब हमने ई को प्रोसेस कर लिया। अब देखिए, ई भी प्रोसेस हो गया, और जब बैक लौटेंगे तो बी प्रोसेस हो ही चुका है, और ए पर जब लौटेंगे तो ए प्रोसेस हो चुका है। अब हम जब राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नोड आ रहा है सी, हम इसको प्रोसेस कर लेंगे, राइट। फिर हम देखेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हमारा क्या आ रहा है, एफ, हमने इसको प्रोसेस कर लिया। अब इसके बाद कोई नोड नहीं है, हम बैक लौटे, सी ऑलरेडी प्रोसेस है, फिर हम राइट में चले तो हमें मिला जी, हमने जी को प्रोसेस कर लिया, राइट। फिर हमारा लास्ट नोड मिला हमें एच, हमने एच को प्रोसेस कर लिया, राइट। तो ये हमारा होता है प्री ऑर्डर। देखिए, कुछ इस तरीके से चलता है, ये यहां से चले हम पूरा बिल्कुल लेफ्ट तक पहुंचे, ए बी डी, राइट। फिर हम यहाँ पर ई पे पहुंचे, और फिर बैक लौटे हैं, फिर हम देखिए सी पे पहुंचे, एफ पे पहुंचे, और इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता गया, राइट। तो आई थिंक आपको प्री ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पोस्ट ऑर्डर की तरफ। तो देखिए, पोस्ट ऑर्डर में क्या करना होता है हमें, ये हमारा रूट नोड है, राइट। हमें क्या करना होता है, देखिए प्री ऑर्डर में क्या होता है, हमें आर यानी कि रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट चलना होता है, राइट। जबकि हम पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट चलते हैं, राइट। तो यानी कि देखिए, अब हमें यहां पर क्या करना है, हम क्या ए को प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है, जब तक इसके लेफ्ट और राइट कंप्लीट नहीं हो जाते, राइट, यानी कि जब तक इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड प्रोसेस नहीं हो जाते, हम ए को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ए अभी वेटिंग स्टेट में पहुंच गया, राइट। फिर हम बढ़े बी की तरफ, राइट। जब हम बी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बी को प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बी का भी लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है। फिर हम बढ़ेंगे डी की तरफ, यानी कि अब हम डी को प्रोसेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसका लेफ्ट है ना तो राइट है, तो हमने डी को प्रोसेस कर दिया, यानी कि लीफ नोड को हमने सबसे पहले प्रोसेस किया। अब हम वापस लौटेंगे बी पर, राइट। तो क्या बताइए, बी को प्रोसेस करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि बी का राइट है, तो हम क्या करेंगे, ई को प्रोसेस करेंगे, राइट। जब ये दोनों नोड प्रोसेस हो जाएंगे, तब हम किसको प्रोसेस करेंगे, तब हम बी को प्रोसेस करेंगे, राइट। हमने बी को प्रोसेस कर लिया। अब देखिए, ए का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम ए को प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसका राइट चाइल्ड प्रोसेस करना बाकी है, राइट। फिर हम बढ़े सी की तरफ, तो क्या बताइए, सी को प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सी का लेफ्ट भी है राइट भी है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि पहले एफ को प्रोसेस करेंगे। अब देखिए, सी का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी राइट बाकी है, राइट पे जब पहुंचे
हमें मिला जी। क्या जी को प्रोसेस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जी का लेफ्ट चाइल्ड है, भले राइट चाइल्ड नहीं है तो क्या हुआ, लेफ्ट चाइल्ड तो है। तो पहले हम इस चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे, यानी कि हमारा एच प्रोसेस होगा, राइट। अब देखिए जी का राइट चाइल्ड तो है नहीं, अब हम जी को प्रोसेस करेंगे, तो हमने जी को प्रोसेस कर लिया। अब सी का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हो चुका है और सी का राइट चाइल्ड भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तब हम सी को प्रोसेस करेंगे, राइट। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और इधर भी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम ए चाइल्ड को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। तो आई थिंक आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।